हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभा। वेलकम टू माय चैनल विभा स्पाइसेस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यमी शेक लेके आई हूं, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया है। बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे इन इन चीज़ों को लिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे दूध। इसको चिल्ड लेना है, ठंडा ही दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कुछ आइस क्यूब्स, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, ओरियो बिस्किट्स, शुगर। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर लिया है, आप चाहें तो वाइट शुगर भी ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया है दो बनाना। ये राइप होने चाहिए, थोड़े से पके हुए होने चाहिए, ज़्यादा कच्चे वाले बनाना नहीं लीजिएगा। फिर हमने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग अपने बनाना को कट करके डाल देंगे। हमें बनाना को छोटे पीसेस में कट करके ही डालना है, जिससे कि वो आसानी से ब्लेंड हो जाए। फिर अब हम लोग इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको पहले ग्राइंड कर लेंगे। सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, पहले थोड़ा दूध डालना है, उसके बाद फिर हम लोग बाद में डालेंगे पूरा दूध। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बनाना कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब हम लोग इसमें अपनी और सब चीज़ों को मिला लेंगे। यहाँ पे हमें लिया है शुगर 2 टेबलस्पून। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बनाना में भी शुगर होता है और हमारा जो ओरियो बिस्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी शुगर होता है। फिर हम लोग ऐसे अपने ओरियो बिस्किट को भी तोड़ तोड़ के डाल देंगे। फिर थोड़े से आइस क्यूब्स, और मिल्क। फिर हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बनाना शेक कितने अच्छे से बन गया है। इसको हम लोग ग्लास में निकाल लेंगे। हमारा बनाना शेक जो है वो बनके तैयार है। अब हम लोग इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा बनाना शेक कितना यमी लग रहा है। इसमें हम लोगों ने ओरियो बिस्किट यूज किया है, जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है आजकल। लेकिन आजकल इसको बड़े लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बनाना और ओरियो का जो फ्लेवर है वो इस शेक में बहुत अच्छे से निकल के आएगा, और इसे आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इजी रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।